फ्रेंड्स वेलकम। तो आज हम बताने जा रहे हैं डोनट्स। तो बहुत इजी सी रेसिपी है जिसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए आप नोट करिए। मैदा फ्लोर हमने लिया 2 कप, हीट लिए हमने 1/2 टीस्पून और शुगर लिया हमने 4 टेबलस्पून, बटर हमने सॉल्टेड लिया अगर 1/4 कप, पर अगर आप अनसॉल्टेड लें तो आप इसमें 1/2 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट भी डाल दें, और 1/2 टेबल टीस्पून हम लेंगे वनीला एसन और 1/2 कप लिया हमने मिल्क। तो अब हम इसमें सारे पहले ड्राई आइटम्स डाल देंगे। शुगर डाल दी हमने और ये हमने डाल दी यीस्ट, इसे थोड़ा सा हम ऐसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल 1 एग, 1 egg। तो अब मैं मशीन से कर रही हूँ, अगर आप अब इसे हम कर लेंगे एटलीस्ट 2 मिनट्स तक करेंगे। मैं अगर आप हैंड से करें तो याद रखिए कि इसे करना है आपने एटलीस्ट 5-10 मिनट तक, और इसके जो यीस्ट के वो होते हैं ना सीड दाने वो अच्छे से अंदर हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे बटर और मिल्क, थोड़ा सा नमक। तो अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, इसे मिक्स कर लेंगे। तो डालेंगे, तो अभी हम इसे फुल स्पीड पर एटलीस्ट 5 मिनट्स तक करते रहेंगे। अगर आपको मिल्क कम लग रहा तो आप और डाल दो, तो मैं और डाल दूँगी। गाइस तो हमने 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे किया। अब हम इसे थोड़ा सा कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट हो गई है। इसकी ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मतलब देख सकते हैं। अब हम इसे 1 आवर के लिए रख देंगे सन राइजिंग में या फिर अंदर ही कहीं पे, और कवर कर लेते हैं उसे और 1 आवर बाद इसे देखेंगे। तो हमने इसे कवर कर दिया, अब 1 आवर बाद इसे देखेंगे। तो हमारी हो चुकी है, 1 आवर हो चुका है, अब हम डोनट्स बनाते हैं। तो अब हम लो फ्लेम पर ऑयल को उन्हें रख देते हैं। ये लो फ्लेम पर होते रहे ऑयल गरम, हम इसे 1/2 कर लेते हैं। तो थोड़ा सा फ्लोर हम स्पार्कल कर लेते हैं। अब ये हमारी डो है, इसे हम करते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, थोड़ा सा फिर स्पार्कल कर लेते हैं। तो इतनी हमने इसकी थिकनेस रखी है। अब हमारे पास यहाँ पे डोनट कटर है, इसे हम कट कर लेते हैं इसे। अगर आपके पास डोनट कटर ना हो तो आप इसका इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, इसे भी हम कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अब हम इसे भी बीच में से कट कर लेंगे। अब इसे हम इधर रख देते हैं, अब हम ऐसे ही सारे बनाते जाएंगे। तो ये सारे डोनट्स हमने कर लिए, अब इन्हें फ्राई करेंगे हम। अब इन्हें हम 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देंगे फ्री ऐसे ही एयर में। तो अब हम डाल देते हैं लो फ्लेम पे इसे। तो ये थोड़ी देर में हमारे रेडी होने वाला है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ऐसे ही हम सारे करते जाएंगे। तो हम ये डाल देते हैं, तो हम अभी इसे डाल देते हैं। अब हम इसे फोड़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा रेडी हो गया है। ये हमारे डोनट्स रेडी हैं, अब इन्हें डेकोरेट कर लेते हैं। तो अब हम इन्हें डेकोरेट कर लेते हैं चॉकलेट सिरप से। तो अब हम इसे थोड़ा सा स्पार्कल करते हैं और ये शुगर कोटेड कोटेड बनाएंगे इस वाले को हम। तो शुगर को हम इसमें डाल देते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं शुगर कोटेड हो गया है। तो इस पे हम इसे हम स्प्रिंकल कर देंगे इस पे, और इस पे भी हम कर देंगे स्प्रिंकल। तो ये हम थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।